नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत होम्स। 3 BHK फ्लैट लाया हूँ आपके लिए, 100 गज का। बड़ा फ्लैट है, स्पेसियस फ्लैट है, 100 गज आगे है, 100 गज पीछे है, और 30x30 के नक्शे पे है। कहने का मतलब है प्लॉट का जो साइज है वो 30x60 है। 30x30 के नक्शे का मतलब ये हो गया बिल्कुल ही चौड़े मथे का आपका फ्लैट है। 2 बेडरूम और किचन सब बालकनी की तरफ आएंगे, ये नक्शे का है। नक्शा अभी हम आपको ऊपर में भी दिखाएंगे। अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पहले, हम लोग यहाँ पे पार्किंग में हैं, आप देखिए कितना खूबसूरत पार्क है, पार्किंग का है, स्पेसियस पार्किंग है। हर तरफ हमने टाइलें लगा रखी है, लाइट वर्क प्रॉपर किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और अभी आपको मोटर का आवाज़ भी आ रहा होगा, कहने का मतलब है पानी दिल्ली जल बोर्ड का, कॉरपोरेशन का पानी यहाँ पे सुबह शाम आता है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर के लिए तो हमने आपको बोरवेल दिया ही हुआ है। ये प्रॉपर स्पेस है जी पार्किंग का। 8 फ्लैट हैं लेकिन गाड़ी इसमें आराम से आपकी 12 भी लगती है, तो स्पेसियस कार पार्किंग का स्पेस है आपके पास। पानी बिजली सबका हम कनेक्शन करके आपको दे ही रहे हैं। और ये हमारा लिफ्ट है जो कि ऑपरेशनल है, ऑलरेडी इसमें फैमिली शिफ्ट है इस बिल्डिंग में, तो हर चीज़ें आप देख पा रहे होंगे और अभी आपको दिखेगा भी, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम लिफ्ट ही लेके चलेंगे, आपको आइए। ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट है, ये सामने इधर इधर आना भैया। ये हमारा लिफ्ट हो गया और ये सामने स्टेयरकेस हो गया। अभी हम पार्किंग से हम अभी ऊपर आए हैं। फेसिंग ईस्ट वेस्ट की है, प्लॉट की भी और फ्लैट की भी। जो लोग वास्तु देखते हैं ये उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि फेसिंग जो है वो ईस्ट वेस्ट की है। जैसा अभी देख पा रहे हैं आप कि हम लोग अभी लिविंग एरिया में हैं। बहुत ही खुला डुला लिविंग एरिया है, बहुत ही स्पेसियस लिविंग एरिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम तो लिविंग एरिया में, हम आपको टीवी पैनल दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत टीवी पैनल है, विद स्टोरेज है। और यहाँ पर आप कुछ डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर रख सकते हो। और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इस फ्लैट में आपको लाजवाब लगेगा। लाइट वर्क बिल्कुल लाजवाब लगेगा, वुडन वर्क लाजवाब लगेगा। बहुत ही ओवरऑल ये फ्लैट बहुत ही शानदार है। अगर हम टीवी पैनल के बाद इस दीवार की अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे ग्लास के साथ में हमने लाइट वर्क के साथ में इस फ्लैट, बिल्कुल ये दीवार बिल्कुल ही ज़बरदस्त लग रहा है इसको। हमने इस दीवार पे भी पैनलिंग करके आपको बिल्कुल लाइट वर्क प्रॉपर बढ़िया काम किया हुआ है, अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे हमने आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग भी दे रखी है, तो आपका स्प्लिट एसी यहाँ पे इस दीवार पे आ जाएगा। रही बात स्पेस का कि हम कैसे कैसे क्या चीज़ रख सकते हैं, तो ये जो स्पेस है आपके पास ये एल टाइप का, यहाँ पे 8 to 10 सीटर आराम से आपके पास सोफ़ा लगता है, बीच में टेबल आपका आ जाएगा, तो आपके पास इनफ स्पेस है लिविंग एरिया में सिटिंग के लिए। टीवी पैनल हम आपको बता ही दिए। इसमें एक बार फॉल सीलिंग का काम दिखाइए, फॉल सीलिंग का काम बहुत ज़बरदस्त है। लिविंग एरिया से होता हुआ ये फॉल सीलिंग बिल्कुल किचन तक गया है और ज़बरदस्त लग रहा है, एक बार दिखाना भैया। मैं लिविंग एरिया तो आपको समझा ही रहा था, मैं एक बार पहले नक्शा भी समझा दूँ। ये हमारी एंट्री पॉइंट जो थी ईस्ट वेस्ट की, और ये हम लिविंग एरिया में जो इंटर किए, तो 2 बेडरूम और किचन, ये सब आपको बिल्कुल ही नेचुरल लाइट में है, कहने का मतलब बालकनी के तरफ है। 1 बेडरूम ये आपको जिसमें जिसके साथ में साफ्ट है, और कॉमन टॉयलेट ये ही है जो ऐसा है जहाँ की नेचुरल लाइट नहीं है, कहने का मतलब है कि बाकी सब जगह पे ड्यूरिंग द डे आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने आपको लिविंग एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दिया। ड्राइंग डाइनिंग दोनों का स्पेस बनता है लिविंग एरिया, इतना स्पेसियस है। अब लिविंग एरिया से ही लगा हुआ मैं आपको सबसे पहले कॉमन टॉयलेट दिखाता हूँ। हर चीज़ लगा हुआ है, वॉल टू वॉल टाइल लगी हुई है आपका, गीजर की फिटिंग ऑलरेडी हमने दी हुई है आपको, वॉल हैंगिंग सीट है, और डाइवर्टर हमने लगा रखा है आपका। जो शावर है, शावर भी एक बार ऊपर दिखा देना, शावर जो है वो सीलिंग से है। और यहाँ पे वॉश मशीन में हमने वैनिटी के साथ में आपको दिया हुआ है। एक बार थोड़ा सा कॉमन टॉयलेट प्रॉपर तरीके से दिखाइए।
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिविंग एरिया से ही लगा हुआ हमारा किचन है। मैं लाइट वर्क और फॉल सीलिंग का क्यों कह रहा था, ये फॉल सीलिंग का जो काम है ना वो लिविंग एरिया से होता हुआ ये पूरी तरीके से आपको, आप देख लो आपका किचन तक आ रहा है। तो ओवरऑल ना सीलिंग का जो भी काम है, जो भी लाइट वर्क है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे। अब आते हैं किचन में, किचन की बात कर रहे थे हम लोग, तो किचन में स्टार्टिंग पॉइंट ये कर लेते हैं। ये जगह जो है आपका, ये फ्रिज के लिए, बड़ा से बड़ा फ्रिज आपके पास इनफ स्पेस है। उसके बाद हमने वॉशिंग के लिए यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक में मीठे पानी का, आपको मीठे पानी के लिए सेपरेट किया हुआ है, और दो दो आपके पास है, साथ में इधर आना भी है। इधर ये हमने यहाँ पे आरओ के लिए दिया हुआ है जी। बाकी मॉड्यूलर किचन के साथ में चिमनी है, जितने भी जैसे हमारे जनरली सारे फ्लोरों में आपको मिलता है। किचन काफ़ी बड़ा है और स्पेसियस किचन है। चिमनी ऑलरेडी हमने लगा रखी है, और ये हमारा विंडो जो है ये बिल्कुल ही बालकनी की तरफ है। हम आपको बालकनी की तरफ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। आपको लाइट वर्क बहुत ही अच्छा किया हुआ है, एक बार लाइट वर्क बढ़िया से दिखाइएगा, ठीक है। और किचन का खासियत ये है कि थ्री साइड है, तो एक साथ तीन बंदे भी अगर हैं तो आप काम कर सकते हैं। बहुत ही, एक बार दिखाना भी है इधर, एक एक जगह को प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है। सारा मॉड्यूलर किचन है। ओवरऑल एक बार किचन दिखाइए। अब मैं, चलिए मैं आपको पहला बेडरूम दिखाता हूँ। फ्लैट ऑलमोस्ट तैयार है, 95% ये तैयार है। अगर मैं इस बेडरूम की बात करूँ तो इसमें जो हमने वुडन वर्क करके दिया है आपको, ये टॉप टू बॉटम है और स्लाइडर के स्लाइडिंग वाला है, ताकि आपका कम से कम स्पेस निकलेगा। और बहुत ही बड़ा अलमीरा है, और ये पूरा स्पेस आपके पास है, जिसमें कि आप बेड लगने के बावजूद आपके पास इतना स्पेस बच रहा है कि आप अपने साइड से भी कुछ रख सकते हो, आपके पास इनफ स्पेस है। दीवारों पे हमने सेम उसी तरीके से काम कर रखी है, आपको टेक्सचर भी किया हुआ है, लाइटिंग भी है, और साथ ही साथ पीओपी का बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। एक बार फॉल सीलिंग दिखाइए, फॉल सीलिंग भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, लाइट वर्क भी अच्छा है। और इस रूम में हमने आपको टीवी पैनल भी दिया हुआ है, तो इन द सेंस अभी आपको मैंने लिविंग एरिया में भी टीवी पैनल दिया था, पहले बेडरूम में भी टीवी पैनल दिया है, ठीक है। साथ ही साथ इस बेडरूम में हमने आपको यहाँ पे स्प्लिट एसी की फिटिंग करके दी है, तो स्प्लिट एसी की फिटिंग अभी तक आपको दो जगह मिला है, लिविंग एरिया में और पहले बेडरूम में। चूँकि ये रूम साफ के साफ था तो ये मुझे आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा साफ है, इस फ्लैट में पंखे वगैरह सब कुछ हम लगा के ही दे रहे हैं, बिजली पानी ये सब का कनेक्शन आपको इस फ्लैट में सारा हम कंप्लीट करके ही देंगे आपको। अब चलते हैं हम अपना दूसरे बेडरूम में। ये हमारा दूसरा बेडरूम है, फ्लैट बहुत ही अच्छा है, मैंने बोला ना बहुत ही खूबसूरत है फ्लैट, काम भी टॉप क्लास का किया हुआ है, फिनिशिंग अच्छी है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का मतलब हो गया कि सबसे पहले मैं आपको इसका अटैच टॉयलेट ही दिखाता हूँ। आओ भैया, स्पेसियस अटैच टॉयलेट है, 100 गज का फ्लैट है तो हर चीज़ आपको बड़ा मिलेगा, तो इसका अटैच टॉयलेट भी आपको स्पेसियस मिल रहा है। आपको सीट ऑलरेडी लगी हुई है, वॉश बेसिन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे डाइवर्टर हमने लगा रखा है, यहाँ पे भी हमने शावर हमने सीलिंग से दी है,
और यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। वॉल टू वॉल टाइल एज यूजुअल सारे फ्लैटों में जैसे होते हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ही शानदार है, फिनिशिंग बहुत शानदार है। एक बार तरीके से दिखाओ भैया इसको। जहाँ तक रूम की बात है कि हम अपने मास्टर बेडरूम में और आपको करके क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम आपको एक टीवी पैनल दे रहे हैं विद स्टोरेज है। और इस जो माइका का कॉम्बिनेशन है और दीवारों की जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा लग रहा है, मैचिंग कर रहा है ये। साथ ही साथ यहाँ पे हमने आपको, चूँकि ये बालकनी की तरफ है, तो यहाँ पे हमने आपको विंडो एसी की फिटिंग ऑलरेडी हमने यहाँ पे करी हुई है। विंडो एसी आपका यहाँ पे लग जाएगा। दीवारों पे हमने वॉलपेपर भी लगाया हुआ है और पीओपी का काम बहुत ही शानदार हो रहा है। बाहर इस फ्लैट में पीओपी का काम बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया आपको वॉलपेपर हम लगा के दे रहे हैं। अंदर में हमने लाइट्स वगैरह सारा का प्रोविजन दिया हुआ है। एक बार तरीके से एक बार इस फ्लैट को दिखाइए। रूम का साइज बहुत बढ़िया है, रूम का साइज बहुत बढ़िया है। 14x10.5 के आसपास का बेडरूम है, काफ़ी स्पेसियस है, बड़ा बेडरूम है। आपका बेड लगने के बावजूद आप और भी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब आइए मैं आपको तीसरा बेडरूम दिखाता हूँ। बालकनी का एक्सेस उसी बेडरूम से है। ये हमारा तीसरा बेडरूम है और ये और भी खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे तीसरे बेडरूम की बात करें तो ये दीवार प्रॉपर तरीके से हमने इसमें वर्क किया हुआ है। ग्लास वर्क बहुत ही शानदार लग रहा है। इसको आके देखिएगा तभी मजा आएगा। यूनिक है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसका भी साइज जो है आपका जो है एनीथिंग अराउंड 14x12 के आसपास का ये बेडरूम दिख रहा है मुझे। और स्पेसियस बेडरूम है। इसमें भी हम आपको अलमीरा टॉप टू बॉटम करके लगा हुआ आपको मिल रहा है इसमें। फैन एज यूजुअल सब जगह पे आपको लगे ही दिख रहे हैं। फॉल सीलिंग का काम एक बार दिखा दीजिए। और ये बेडरूम चूंकि बालकनी की तरफ है, ये अभी आपको सनलाइट आ भी रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको विंडो एसी लग जाएगा। आपका फिटिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी करी हुई है। अब मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। ये हमारा बालकनी है। इसको हमने थोड़ा सा डीप किया हुआ है ताकि यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन वगैरह प्रॉपर तरीके से बड़ा लग जाए। यहाँ पे हमने टैप दिया हुआ है आपको, पावर का पॉइंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा बालकनी हो गया। ये हमारा इधर बालकनी के आगे का स्पेस है। सर्विस लेन है, 15 फुट की गली है, लेकिन ड्यूरिंग द डे आपको लाइट का दिक्कत नहीं होगा। लोकेलिटी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत प्राइम है और फ्लैट सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ही सस्ते रेट का फ्लैट है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ओवरऑल आपको ये 3 BHK का फ्लैट, 100 गज का फ्लैट आपको ओवरऑल मैंने दिखाया कि किस हिसाब से कैसे कैसे बना हुआ है।
फ्लैट बहुत ही अच्छा है, अच्छी लोकेशन लोकेलिटी का है। जिनको भी लोकेशन चाहिए, एक ये ऐसे सिचुएटेड है कि आपको यहाँ से विकासपुरी भी बहुत नज़दीक पड़ेगा, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी तो एकदम नज़दीक ही है, पैदल के ही रास्ते पे है, और मेट्रो भी आपके वॉकिंग पे आर समाज मार्केट वॉकिंग पे आ रहा है, नजफगढ़ रोड आपके वॉकिंग पे आ रहा है। तो लोकेशन वाइज ये फ्लैट अनबीटेबल है और रेट वाइज भी अनबीटेबल है। इसके लिए आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको इतना कमिटमेंट कर रहा हूँ, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस फ्लैट में मैं आपको 95% भी लोन करवा दूंगा, 95% लोन भी करवा दूंगा और LIC से करवा दूंगा आपको, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में 6.5% के आसपास का है, जो कि अनबीटेबल है। इस पर आराम से, इस फ्लैट पे LIC अप्रूव की हुई है, LIC अप्रूव्ड बिल्डिंग है, तो इस पर LIC से लोन आपको आराम से मिल जाएगा। होपफुली आपको ये फ्लैट हमारा पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।